हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी लोग जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और उनमें अगर कभी भी आपको देखने को मिलता है कि इंग्लिश ग्रामर के कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके आंसर्स आप नहीं दे पाते हो, तो आप पैनिक हो जाते हो और फिर सोचते हो कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ है। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो अगर आप अपने नोट्स बनाते हो। अब सवाल ये उठता है कि नोट्स बनाए कैसे। आप लोग कई बार या तो केवल कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाते हो या फिर केवल आप लोग क्वेश्चंस के नोट्स बनाते हो, जबकि आपको करना क्या है कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो एक कॉन्सेप्ट आप तैयार करें और उसके कम से कम दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करें। ज़्यादातर फोकस आपका होना चाहिए क्वेश्चंस पर। अभी जिस तरह की स्टडी के साथ आप जुड़े हुए हो ना, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, वाईफाई स्टडी या वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ पर इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं, उनमें आप देखते होंगे कि कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपको दोनों मिलते हैं। जो कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि आपके लिए टफ है उसको तुरंत अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या पीडीएफ के थ्रू उसको नोट कर लीजिए और उसके ढेर सारे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और हाँ, जब आप नोट्स बना रहे हो तो नई चीज़ें लिखने के लिए जगह भी छोड़ते जाएं, ताकि फ्यूचर में जब आप पढ़ें तो वहाँ पर जगह जो छूटी हुई है वहाँ पर आप चीज़ों को ऐड कर सकें, क्वेश्चंस को ऐड कर सकें, ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का आप जवाब दे सकें। ये तरीका अपनाओगे, उम्मीद है आपके नोट्स बेस्ट रहेंगे और आप अपनी परफॉर्मेंस को भी बेस्ट कर सकते हो। रोज़ शाम को 6 बजे वाईफाई स्टडी पर आपके लिए इंग्लिश की स्पेशल क्लास होती है, तो वो क्लास ज़रूर ज्वाइन किया करें और हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करें, ताकि आप सब लोगों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस हम दे सकें। थैंक यू।